अध्यक्ष प्रीतम जी, आइए हम उनसे जानते हैं कि कांग्रेस जो अभी हारी है उसके पीछे क्या कमियां रही हैं और 2019 में कांग्रेस किस तैयारी के साथ फिर मैदान में उतरेगी और प्रदेश में फिर अपनी सरकार बनाएगी। स्वागत है हेलो उत्तराखंड में प्रीतम जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। 2019 चुनावों के लिए कांग्रेस में अभी तक किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से एक मैदान में उतरने की तैयारी है अभी? देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के जो है संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और जैसे ही संगठनात्मक चुनाव संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में हम ये कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने का काम करे। और हमने लगातार इस बात की कोशिश की है, लगातार इस बात का प्रयास किया है कि जो इस सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस सरकार को बने हुए कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, वो सरकार जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में काम कर रही है, तो उनके तमाम जो विषय थे उन तमाम विषयों को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया और सदन के बाहर भी उठाने का काम किया है। तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी साथी आपस में मिलकर के कार्य योजना बनाएंगे और ये कोशिश हमारी होगी, ये प्रयास हमारा होगा कि हम पूरे उत्तराखंड राज्य में भ्रमण करने के बाद जो है कांग्रेस के लोगों को जो है एक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनता के बीच में भी जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको ले जाने का काम करेंगे ताकि 2019 के चुनाव में हम फिर एक अच्छा प्रदर्शन करने का काम कर सकें। अध्यक्ष पद पर आप हैं तो जब से आप यहाँ आए हैं आपको क्या लगता है कि क्या इसमें अभी कमियां रह गई थी और उनको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा अध्यक्ष बनने की बात आपने कही तो एक राजनीतिक दल में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कोई अध्यक्ष होगा, कभी कोई दूसरा अध्यक्ष होगा, स्वाभाविक बात है मेरे बाद भी कोई दूसरा अध्यक्ष होगा, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में जो मेरे दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन मैं पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और आज हमारी ये कोशिश है कि उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, जो जन विरोधी कार्य कर रही है, उनके विरुद्ध जो है हम आवाज़ बुलंद करने का काम करें। आप देख लीजिए, जैसे ही ये सरकार आई, इस सरकार ने सबसे पहले जो काम इस उत्तराखंड राज्य में किया कि जो राज्य खाद्य योजना कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पर संचालित होती थी, जिस राज्य खाद्य योजना के माध्यम से हम 4 रुपये किलो गेहूँ और 9 रुपये किलो जो है चावल गरीब व्यक्ति को देने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद सबसे पहले सरकार ने राज्य खाद्य योजना के खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि करने का काम किया। आज आप देख लीजिए, गेहूं जो है ये सरकार 8 रुपये 60 पैसे किलो देने का काम कर रही है और चावल 15 रुपये किलो देने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, दाम बढ़ाने के बावजूद भी, पूरा खाद्यान्न गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, इस विषय को हमने सदन के बाहर भी सदन में उठाने का काम किया। और आज वर्तमान समय में आप देख लीजिए, जो शराब की नीति सरकार ने बनाई है, उस नीति से विमुख होकर के, उस नीति के विरोध में आज उत्तराखंड की मातृशक्ति सड़कों पर उतरने के लिए विवश है। जिस मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य निर्माण किया हो, आज वो मातृशक्ति जो शराब की नीति सरकार ने बनाई है, जिस तरीके से क्या नाम गांव और कस्बों में शराब की दुकान खोलने का काम ये सरकार कर रही है, तो उसके विरोध में आज मातृशक्ति आंदोलनरत है, आंदोलन कर रही है। और जो नीति सरकार ने बनाई, आप देख लीजिए, पहले 5 जनपदों में उत्तराखंड के देसी शराब नहीं बेची जाती थी, इस सरकार ने अपने निर्णय के माध्यम से उन 5 जनपदों में भी देसी शराब परोसने का काम किया है। और पर्वतीय क्षेत्र में जो शराब बिक्री की समय अवधि सुनिश्चित की गई है, उस अवधि के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार का सीधा सीधा शराब माफियाओं से गठजोड़ हो चुका है और शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। तो
जिस तरीके से सरकार काम कर रही, तो स्वाभाविक बात है कि इन तमाम विषयों को जो हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया, सदन के बाहर भी उठाने का काम किया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम कह सकते हैं कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य में जो है सही दिशा में काम नहीं कर रही है। क्या 2019 में जो चुनाव हैं उनकी तैयारी के लिए कांग्रेस जो इस टीम के साथ आगे बढ़ेगी, या टीम में कोई फेरबदल किया जा सकता है, फेरबदल देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए प्रश्न 2019 के चुनाव का नहीं है, वर्तमान समय में हमारे संगठन के चुनाव गतिमान है, और जब संगठन के चुनाव गतिमान है तो स्वाभाविक बात है जो नया संगठन बनकर के सामने आएगा उस संगठन के साथ हम 2019 के चुनाव में जाने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार जब से आई है तो तब से लेकर अब तक क्या उपलब्धि उनकी देखी जा सकती है? देखिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई है तो कोई उपलब्धि इस सरकार की नहीं। हमने कहा कि राज्य खाद्य योजना के खाद्यान्न में बढ़ोतरी करने का काम इस सरकार ने किया, शराब नीति जो है माफियाओं के हित में लाने का काम इस सरकार ने किया है, गरीब किसानों का जिसमें आज जो है समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि एक किसान ने आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में इस बात को कहा था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे और किसानों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस विषय को हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस सूबे में स्थापित हुई है वो इससे जो है अपने कदम पीछे खींचने का काम कर रही है। तो सरकार ने जो वादे इस उत्तराखंड के लोगों से किए थे उन तमाम वादों पर जो है ये सरकार विफल हुई है, और कांग्रेस ने उन तमाम विषयों पर जो है निश्चित रूप से सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम किया, सदन के बाहर भी सरकार को घेरने का काम किया है। अभी बजट सत्र में कुछ एक फैसले लिए गए हैं, जैसे विधायक निधि बढ़ा दी गई है, तो इस तरह के कुछ और भी फैसले हैं, तो इन फैसलों को कैसे देखा जा सकता है? देखिए बजट सत्र में विधायक निधि बढ़ाने की जो बात है सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास के कार्यों को अमली जमा पर पहनाने के लिए विधायक निधि बढ़ाई गई है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इस राज्य में इतनी कमियां हैं, उनको इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए बहुत कमियां मैं गिना चुका हूं इससे पहले ही, अगर आप बार बार प्रश्न को दोहराएंगे तो बार बार वही बातें फिर आपके सम्मुख आएगी। अभी आप देख लीजिए इस सरकार ने जब हमारी सरकार के समय हमने गैरसैंण के अंदर सत्र चलाने का काम किया, और गैरसैंण में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ था कि अगला बजट सत्र जो है गैरसैंण के अंदर संचालित किया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने इससे भी कदम पीछे खींचने का काम किया, तो इस विषय को भी हमने सदन के अंदर भी उठाया, सदन के बाहर भी उठाने का काम किया। सरकार हर क्षेत्र में जो है विफल है, जो वादे इस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों से किए थे उन वादों को पूरा करने का काम सरकार नहीं कर रही है। ऊंचा घोटाला अभी आया था एक साल पहले, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक सामने नहीं आ पाया है, तो ऐसा क्यों? देखिए जो ढेंचा बीज का जो घोटाला था उसके परिप्रेक्ष्य में जो है मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस सरकार ने त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का काम किया, निश्चित रूप से वो गैर संवैधानिक काम था, नियमों के विपरीत था, संसदीय परंपराओं के विपरीत कृत करने का काम सरकार ने किया। चाहे त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की बात हो, चाहे ट्रांसफर एक्ट को सदन के पटल पर रखने की बात हो, चाहे लोकायुक्त को सदन के पटल पर रखने की बात हो, ये तमाम बातें जो कार्य मंत्रणा होती है कार्य मंत्रणा के में रखा जाना चाहिए था, और कार्य मंत्रणा की सिफारिश को जो है सदन जो है क्या नाम अंगीकृत करने का काम करता है, तब सदन की कार्रवाई चलती है। लेकिन इस सरकार ने कार्य मंत्रणा में विषयों को रखे बिना सीधे सदन के पटल पर रखने का काम किया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। संविधान की का उल्लंघन करने का काम संविधान के विपरीत सरकार ने कृत करने का काम किया है, और इसकी हम जितनी भी भर्त्सना करें वो कम। तो अभी आपने देखा कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम जी ने कितने
बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, दिल से सारे जवाब दिए, राजनीति मुद्दे से हटकर उन्होंने जवाब दिए। हेलो उत्तराखंड के लिए बस इतना ही। कैमरामैन हरीश के साथ सुनीता राजपूत, हेलो उत्तराखंड, देहरादून।